तो यहाँ पे देख सकते हो कितने बढ़िया तरीके से बन रही है यहाँ पे दाल मखनी। और ये देखिए क्या क्रीमी टेक्सचर आया हुआ है, साथ में है ये बढ़िया सी चाय और बटर और वेजीज वाली मैगी, और साथ में हो शाम के टाइम पे ये हुक्का। तो ऐसी ही एक आज लोकेशन हम आपके लिए कवर करने वाले हैं जहाँ पे आपको चाइनीज़ से लेके मेन कोर्स तक सारी आइटम्स मिलेंगी, इवन हुक्का भी, और लेट नाइट ये ओपन रहता है। तो आज हम बात कर रहे हैं द क्रुक कैफे की, इस वीडियो में उसी की कवरेज करेंगे। शिवा सोल ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए कवरेज करने आए हैं एक और न्यू कैफे की जिसका नाम है क्रुक, और ये पड़ता है दमी नगरोटा में। तो आइए आज इसकी सबसे पहले आपको लोकेशन बताते हैं, यहाँ क्या क्या ऑप्शन रहते हैं वो बताते हैं, आज इसकी फुल कवरेज करेंगे आपके लिए। और साथ में आपको लैंडमार्क एक बता दें, और एक अच्छा ऑप्शन ये है कि यहाँ पे ना साथ में आप देख सकते हो हमारे पीछे चंडी माता जी का मंदिर है यहाँ, मतलब आप यहाँ घूमने के लिए आते हो तो ये सामने देख सकते हो यहाँ पे है द क्रुक। इस प्रकार में आपको ये कैफे मिल जाएगा, एक काफी बढ़िया यहाँ पे लोकेशन भी है और देख सकते हो एम्बियंस किस प्रकार की रहती है। तो चलिए आज इसी को एक्सप्लोर करते हैं आपके लिए, और आपको इसकी टाइमिंग भी हम बता दें। इसकी टाइमिंग रहती है दोपहर को 2 बजे से लेके और रात को 1 बजे तक ये ओपन रहता है, तो काफी अच्छा ऑप्शन है ये। तो यहाँ पे एक और अच्छा ऑप्शन है, यहाँ पे आपको पार्किंग की देख सकते हो कितनी सारी स्पेस मिल जाएगी, अगर आप गाड़ी में भी आ रहे हैं यहाँ पे तो इजिली गाड़ी पार्क कर सकते हैं। आइए अंदर चलते हैं, एम्बियंस वगैरह देखते हैं और बाकी चीजें एक्सप्लोर करते हैं। तो आइए अब इनका मेन्यू भी देखते हैं और यहाँ पे प्राइजेस देखते हैं और देखते हैं क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले वेज मेन्यू में देखते हैं, यहाँ पे चाइनीज है, मोमोज है, तंदूरी आइटम्स हैं, और इवन आपको मेन कोर्स भी मिल जाएगा। और प्राइजेस भी आप देख सकते हो इनके यहाँ पे पॉकेट फ्रेंडली हैं, कोई ज्यादा प्राइजेस नहीं है। और वेज के साथ साथ यहाँ पे आपको नॉन वेज के ऑप्शंस भी मिलेंगे, और यहाँ भी देख सकते हो काफ़ी सारी वैरायटीज हैं इनके पास, चाइनीज है इसमें भी, इनके पास मेन कोर्स है इसमें, प्लेटर भी है इनका देख सकते हो 499 में, और इनके प्राइजेस भी आप देख सकते हो काफ़ी बजट में हैं। और इन्होंने कुछ और भी लिखा हुआ ऊपर, जैसे कि हमारे व्यूअर्स पूछते रहते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ झटका ही मिलेगा आपको, तो नॉन वेज लवर्स हैं वो भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं इनके आइटम्स। सो अभी आप देख सकते हो हमारे पास आ चुके हैं इनके ये फेमस चिली गार्लिक नूडल्स, और देख सकते हो प्रेजेंटेशन भी इसकी काफ़ी बढ़िया है, और इनका प्राइस है यहाँ पे 99 रुपीज़। तो क्वांटिटी आप देख सकते हो इनकी काफ़ी बढ़िया, यहाँ पे बढ़िया सी बाइट आ चुकी है, टेस्ट करते हैं आपको बताते हैं कैसे हैं। बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं है, लेकिन टेस्ट इसका ना बिल्कुल डिसेंट है और बढ़िया है। तो नेक्स्ट आइटम जो हमने मंगवाई है वो है इनकी चिली चाम्प, और इसका प्राइस है यहाँ पे 149, और इसकी प्रेजेंटेशन भी आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया, आप टेस्ट करके भी आपको यहाँ पे हम बताएंगे। तो ये हमारी बाइट आ चुकी है, और साथ में इन्होंने ना ये पुदीने की चटनी यहाँ पे सर्व की हुई है हमको, तो बाइट रेडी है, टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कैसी है। चाम्प बिल्कुल अंदर से सॉफ्ट है, बाहर से हल्की हल्की क्रिस्पी है, मसाले वगैरह इसमें काफ़ी बढ़िया तरीके से ब्लेंड किए हैं, तो खाना यार यहाँ का ना काफ़ी बढ़िया है। चाम्प भी हमें काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस लगी। तो अभी देख सकते हो हम यहाँ पे मलाई चाम्प ट्राई करने वाले हैं यहाँ पे, और इसकी एक और अच्छी बात है, इन्होंने सारा मटेरियल क्वालिटी का यूज़ किया था यहाँ पे, अमूल क्रीम वगैरह, और प्रेजेंटेशन देख सकते हो काफ़ी बढ़िया है यहाँ पे। और जो हम अभी दिखा रहे हैं ना आपको, ये हाफ़ है यहाँ पे, हाफ क्वान्टिटी हमें सर्व करवाई हुई है, फुल में ये और भी ज़्यादा सर्व करते हैं, और प्राइस भी इनका काफ़ी जेन्युइन है, 149 में आपको मिल जाएगा। ये टेस्ट करते हैं और बताते हैं कैसा है। काफ़ी बढ़िया टेस्ट आ रहा है यार, जहाँ पर ना बिल्कुल सॉफ्ट है और हल्का हल्का इसमें स्मोकी फ्लेवर आ रहा है, साथ में मसाले वगैरह जो ऐड किए हैं, बढ़िया टेस्ट है ये, आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो जब भी विजिट करोगे। आइए अब इनकी नेक्स्ट आइटम ट्राई करते हैं और उसका भी आपको रिव्यू देते हैं। सो अभी आप देख सकते हो हमारे पास इनकी नेक्स्ट आइटम आई है, जो है इनके कुरकुरे मोमोज, और साइज देख सकते हो मोमोज का आपको दिखाते हैं, देखिए ये साइज रहता है यहाँ पे मोमोज का। तो आइए बाइट लेते हैं, ट्राई करते हैं और आपको टेस्ट बताते हैं इनका कैसा है। तो काफ़ी बढ़िया मोमोज है यार, बाहर से पूरे प्रॉपर क्रिस्पी हैं और अंदर वेजेस की स्टफिंग जो इन्होंने की है ना काफ़ी बढ़िया है, ओवरऑल कंबाइंड टेस्ट अच्छा है, आप इनको भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। और इनकी चटनी भी स्पाइसी है, तो उससे भी एक अच्छा फ्लेवर आ रहा है, तो जब भी आओगे यहाँ पे ट्राई करना, फिर अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में हमारे साथ शेयर करना। क्योंकि ये जो कैफ़े है यहाँ पे ओपन सीटिंग है, तो इवनिंग के टाइम में ये और भी ज़्यादा बढ़िया लगता है यहाँ पे, अगर मौसम अच्छा हो और जो लाइट्स और एम्बियंस है यहाँ की, यहाँ बैठने में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, तो इवनिंग के टाइम पे यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें। तो हमने इनके स्टार्टर्स वगैरह काफ़ी ट्राई कर लिए, मोमोज ट्राई कर लिए, चाइनीज़ ट्राई कर लिए, अब ट्राई करते हैं अपने मेन कोर्स में, जो अपने जम्मू की शान है वो है यहाँ के राजमा चावल। और यहाँ पर ना राजमा चावल का ये बाउल देते हैं 100 रुपीज़ में देसी घी डाल के, तो काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस लगा,
और वैल्यू फॉर मनी भी लगा हमें। हमने सोचा ट्राई करते हैं, देखते हैं इनकी राजमा वगैरह कैसे हैं, साथ में चटनी भी रहती है प्याज वाली। तो राजमा राइस भी आप यहाँ के ट्राई कर सकते हो, क्योंकि राजमा वगैरह ना काफ़ी बढ़िया बने हुए थे यहाँ पे, सिंपल थे, ज़्यादा मसाले नहीं थे उनमें, लेकिन गाढ़े राजमा थे बिल्कुल प्रॉपर, जैसे होते हैं ना घर जैसे। तो ये आइटम भी यहाँ पे अगर आपको सिंपल ट्राई करना है कुछ मील्स में या मेन कोर्स में, तो राजमा राइस ज़रूर ट्राई कर सकते हो आप यहाँ पे। तो इस कैफ़े में ये अच्छी चीज़ है, वेज के ऑप्शन है, नॉन वेज के ऑप्शन है, मील्स के ऑप्शन है, चाइनीज़ के काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और वो भी बिल्कुल मतलब पॉकेट फ्रेंडली प्राइजेज में। उसके बाद हमारे काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं जो मैगी और चाय लवर्स भी हैं, तो उनके लिए हमने यहाँ पे मैगी भी लगवाई थी एक, और ये मैगी देख सकते हो बटर वाली मैगी सर्व करते हैं, वेजीज़ वाली, 60 रुपये इसका प्राइस रहता है यहाँ पे, तो काफ़ी बजट में लगी है भी। और साथ में यहाँ पे हमने चाय भी इनकी ट्राई की, और चाय भी इनकी काफ़ी बढ़िया थी। तो मैगी और चाय भी अगर आप ट्राई करना चाहते हो यहाँ पे रुक के, तो वो भी ट्राई कर सकते हो, ये ऑप्शन भी इनके पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे हुक्का भी अवेलेबल है, और प्राइस भी इनके काफ़ी ज़्यादा बजट में है, 300 रुपये में आपको यहाँ पे हुक्का भी मिल जाएगा ट्राई करने के लिए, और काफ़ी बढ़िया एम्बियंस है। और लास्ट में हमने इनकी ट्राई की थी दाल मखनी और बटर नान, और दाल मखनी काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस लग रही थी। तो हमारे पास इनकी अब आप मेन कोर्स में देख सकते हो दाल मखनी आई हुई है, साथ में इनका बटर गार्लिक नान आया हुआ है। तो आइए सबसे पहले दाल दिखाते हैं आपको, और ये देख सकते हो कितनी गाढ़ी बढ़िया सी दाल बनी हुई है, टेस्ट करके बताते हैं दाल मखनी का टेस्ट कैसा है। तो बाइट आ चुकी है, काफ़ी ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर है और बहुत बढ़िया बनी हुई है। तो ये भी आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, सारा खाना जितना भी हमने आज यहाँ पे ट्राई किया ना काफ़ी बढ़िया है, और बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है, प्राइस भी इनके जेन्युइन है। तो यहाँ पे जब भी विजिट करोगे ट्राई करना, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना, और जम्मू के ऐसे और अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहना आशीर्वाद सोल ब्लॉग्स को।